हाय फ्रेंड, आज मैं आपको ट्रांसफार्मर ऑयल टेस्ट किट के बारे में बताने जा रहा हूँ। बी डी बी टेस्ट मीन्स होता है ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट। तो इसे कैसे करें, तो इसके बारे में मैं जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। प्रैक्टिकली आपको जानकारी दूंगा और सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये हमारा फिलर गेज है जी। तो ये जो डीबीडी टेस्ट का जो कंटेनर होता है ऑयल भर जिसमें डालते हैं, उसमें हम उसको सेटिंग पॉइंट सेट करते हैं। और ये सेट करने के बाद में हमको इसको, ये 220 वोल्ट है लेगा इनपुट, और आउटपुट हमको 60 kV देगा, जो कि 60 kV देने के रेगुलेटर ये है। इससे हम इंक्रीज करेंगे। ये जो रेगुलेटर ब्लैक कलर का दिख रहा है, इसमें 240 वोल्ट तक का आपका एम्पियर इंक्रीज होगा। तो इसे मैन्युअली करेंगे, ठीक है जी। तो मैन्युअली करने के लिए हम पहले डीबीडी जो कंटेनर होता है, इस कंटेनर को मैं इसमें ट्रांसफार्मर ऑयल जो हम फिल्ट्रेशन करते रहेंगे, उसे इस कंटेनर में डालेंगे, जो प्लास्टिक फाइबर के क्रस्ट कंटेनर होता है। ये बटन है, तो इसे ऑन करने, ये ग्रीन बटन में इसे ऑन कर सकते हैं, करना चाहिए। और ये कंटेनर है जी। तो ये दोनों इलेक्ट्रोड रोड है, जो कि बीडीडी के ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें कनेक्ट होती है, ठीक है जी। ये इलेक्ट्रोड रोड है, और ये इलेक्ट्रोड रोड जो ट्रांसफार्मर होती है बीडीबी के टेस्ट किट का, उसमें जाके उसको कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। और ये जो ना दो बॉल है, इससे हम उसमें सेटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ ये दोनों बोर्ड कैसे हम एडजस्ट करें। तो इसमें 2.5 रखेंगे जी, क्योंकि हमारा जो ट्रांसफार्मर है 132 kV का है, और ये कंटेनर में ऑयल डालेंगे। और इस प्रकार से हम ऑयल को, कंटेनर को डीबीडी टेस्ट का जो ट्रांसफार्मर होता है, इसमें कांटेक्ट करवाएंगे, ठीक है। और इसके बाद इसे लगाएंगे, ये बॉक्स लगाएंगे, क्योंकि अगर नहीं लगाएंगे कवर, तो हमारा यहाँ पे एक स्विच होता है, लिमिट स्विच, तो ऑन ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऑन नहीं होगा, तो इसके लिए हम सेफ्टी पर्पस के लिए इसे लगाना पड़ेगा, और इसे ऑन करने के लिए। तो चलिए, तो मैं ये किट को आगे रखते हैं और आपको दूसरा ये मैं करके दिखाते हैं। ये 220 सप्लाई इसमें देना है इनपुट, और आउटपुट हमारा 60 kV है, ठीक है। और जो इंक्रीज करेंगे रेड बटन ऑन करके, इसके बाद ब्लैक जो वानियर सिस्टम है उसमें करेंगे। ये हमारा कंटेनर है। कंटेनर कैसे हम सेट करें, तो ये हमारा 2.5 है, ठीक है, और 4 mm है। तो ये 220 के से ज़्यादा में हम 4 mm रखेंगे, लेकिन हमारा ये 132 है, तो इसके 2.5 mm का इसमें रखेंगे। ये छोटा सा स्क्रू है, स्क्रू आप इसे लूज करें स्क्रू ड्राइवर से मदद से, और यहाँ पे एडजस्ट करें ये इसके। इसके बाद में दोनों बॉल के सेंटर में हम इसे रख के चेक करेंगे, 2.5 mm गैप होना चाहिए डीबीडी टेस्ट के लिए, ठीक है जी। तो ये करने के बाद में हम इसे अच्छे तरह से टेस्ट करके, ठीक है, इसे हम टेस्ट करके कंटेनर में ऑयल डालेंगे, ठीक है। और ये ऑयल लेने के लिए मैं जाता हूँ मशीन में, जहाँ पे फिल्टरिंग मशीन है, और उसमें आउटलेट से ऑयल लिया, जो कि ट्रांसफार्मर से अभी सेक्योर कर रहे हैं, रिवर्स चल रहा है। तो लेके आउटलेट से इस प्रकार से हम रख देंगे डीबीडी टेस्ट का जो ट्रांसफार्मर होती है किट के अंदर में, वो दोनों कॉन्टेक्ट को अच्छी तरह से करके। और ये प्लास्टिक का कवर है, उसे भी हम लगाएंगे, सेफ्टी पर्पस को ध्यान में रखेंगे, अपना भी सेफ्टी रखिएगा ये, क्योंकि हाई वोल्टेज किट है। इसके बाद ये डोर को लगाएंगे, बगैर डोर क्लोज हुए ये हमारा डीबीडी टेस्ट जो टेस्टर किट है वो ऑन नहीं होगा, ठीक है जी। तो हमने इसे पावर देंगे, पावर देने के बाद में हम इसे ऑन करके बताता हूँ कैसे होता है। ये ऑन किए हैं, तो ये ऑन कर, ये बटन ऑन करें, ग्रीन बटन। इसके बाद इसमें को कांटेक्ट देखें, इसमें लाइट आ चुका, और ये ऑन किए, और ये भानियार से हम जो रेगुलेटर है एम्पियर इंक्रीज कर रहे हैं।
तो ये इंक्रीज करते करते करेंगे धीरे धीरे, और कहाँ पे रुकता है हमारा, ये 26 में ट्रिप हो गया, मीन्स हमारा अभी डीवीडी सही नहीं हुआ है फिल्ट्रेशन, तो हम इसे अगेन आपको बताएंगे, फिर से डीवीडी का दूसरा ऑयल लेंगे थोड़े देर। ये ऑन किए, ये देखिए जी रेड बटन हो गया। अब इस भानियार को धीरे धीरे हम इंक्रीज करेंगे, हमारा 35-36 तक का जाना चाहिए, ये जो हमारा जो रेटिंग है 132 KB, तो इसमें 35 तक का गुड कंडीशन हो सकता होता है। ठीक है जी, तो ये हमारा ये देखिए ये अभी 25 और ये हमारा 30 में गया जी। देखिए इसमें स्पायर आएगा, जब आपका जहाँ ब्रेक डाउन होगा वहाँ पे स्पायर होगा। ये 30 KB पहुँच गया, ये 32, और ये हमारा देखेंगे जी 38-7 और ये 38 में। ठीक है जी, अब आगे में ये ट्रिप हो गया, तो हमारा डीवीडी टेस्ट का जो है देखना है कितना पे आया है। ये डिजिटल मीटर नहीं है, एनालॉग मीटर है, इसलिए हम इसको मेजर बटन दबा के चेक करेंगे। इसमें आपका 38.2 समथिंग है, समथिंग 2.2, ओके तो समथिंग 2 है जी। अब इसे हम डिक्रीज कर लेंगे, पूरा किट को बंद करने के लिए सेफ्टी प्रिकॉशन, पहले डिक्रीज करेंगे फिर इंक्रीज, तभी किए थे अभी डिक्रीज करेंगे, 0 लेके आएंगे रेगुलेटर को 0 लेके आके, ये देखिए 0 हो गया। अब इसे हम ऑफ कर मेजर करेंगे, देखेंगे 0 है, कुछ भी नहीं वोल्टेज अभी। इसके बाद ऑफ बटन दबाएंगे और हम अपने किट को ऑफ कर देंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया है जी, तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें हमारे वीडियो को, अगर आपको पसंद आया है तो इसके, और सेफ्टी प्रिकॉशन को आप तो ध्यान में रखेंगे जी। ठीक है, और ये हाई वोल्टेज किट है, इसे अपना आपको सेफ रखे करने समय। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।